अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज आर्टिकल्स बाय मैरी। आज मैं फिजिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स जो है उसके आपके लिए लेकर आई हूँ प्रॉब्लम नंबर 3.1, 3.2 और 3.345। अच्छा, ये जो है ना एक हमारे व्यूअर की रिक्वेस्ट पर हमने अपलोड किया है, सो आप मैंने सोचा कि बाकी बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा लेंगे थोड़ा सा, सो लेट्स कीप गोइंग। ओके, हमारा फर्स्ट जो था न्यूमेरिकल नंबर 3.1, उसमें हमें गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे 3.1, उसका सोल्यूशन मैं स्टेटमेंट रीड अप कर देती हूँ। फोर्स जो हमें गिवन है 20 न्यूटन विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, और मास निकालना है। इसमें हम जरा सबसे पहले हम अपने गिवन ज़रा नोट डाउन कर लें। F is equal to force हमें कितनी गिवन है 20 न्यूटन, हमें मास कितना गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, सॉरी एक्सेलरेशन गिवन है हमें जो है जी 2 मीटर पर सेकेंड। और अगर फार्मूला से देखें हम तो क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जो फार्मूला होता है एनर्जी में फॉर्मूला भी लिखता हूँ आप लोगों के लिए। F इज इक्वल टू एम ए। अच्छा, अब हमें इसमें ना उन्होंने कहा है कि हम मास निकालेंगे, मैं फॉर्मूला ज़रा हाईलाइट कर दूँ आप लोगों के लिए सो आपके थोड़ा इजी रहेगा। ये जी मैंने थोड़ा इसको बोल्ड सा हाईलाइट कर दिया, ये आप देख लें ये हाईलाइट हुआ हुआ है। अच्छा, ये आपका फार्मूला हो गया। अब हम इसको मजीद सॉल्व की तरफ लेकर चलते हैं। हमें चाहिए m, हम m को इस तरफ रखेंगे और f ओवर a करेंगे। m इज इक्वल टू f ओवर a, तो हमारा बनेगा जी मास, अगर मैं इसको रख के करती जाऊँ, f हमें गिवन है 20 और a गिवन है 2, तो आंसर ऑटोमेटिकली हमारे पास 10 ग्राम्स आएगा, 10 किलोग्राम, सॉरी मास हमारे पास आएगा 10 किलोग्राम, सही है। सो अब हम जरा नेक्स्ट चलते हैं। 3.1 मैंने करा दिया आप लोगों को, अब हम करने लगे हैं 3.2। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी बना लूँ। अच्छा, 3.2 में गिवन है हमें वेट, आप उसकी स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं। वेट गिवन है 147 न्यूटन्स, हमें ग्रेविटेशनल नहीं पता तो हम उसको खुद से अज्यूम कर लेते हैं, मोस्टली होती ही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये मैं आपको लिखवा देती हूँ जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसमें भी वो मास पूछ रहे हैं तो ए फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी, और इस फॉर्मूले के मुताबिक उसी तरह हम थोड़ा इधर उधर करके चीज़ों को डिस्प्लेस करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे और वो मास हमारे पास आएगा 14.7, सही है। अब हम चलते हैं अपने 14.7 केजीज में मास आएगा, सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 3.3 वाले की तरफ, 3.3 में वो क्या कहता है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, फोर्स गिवन है और मास भी गिवन है। अच्छा जी, फोर्स कितनी गिवन है, पहले सबसे पहले आप अपना डेटा लिख लिया करें ताकि आपको आसानी हो कोई भी फार्मूला यूज़ करने में। डेटा है जी 100 न्यूटन फोर्स है, और साथ ही साथ में हमें गिवन है एक मास भी जो कि है 50 केजी, सही हो गया। सो हम क्या करेंगे,
हम जो है f इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, और उससे हम निकालेंगे a। पहले f ओवर a किया था, अब m ओवर f करें, f ओवर m करेंगे, सॉरी। सही है, तो आंसर हमारे पास आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं 3.4 की तरफ। इसकी डिमांड स्पेशली थी तो मैंने कहा चलो 3 4 इकट्ठे भी करा लूं कुछ। 3.4 में हमें बता रहे हैं एक्सेलरेशन गिवन है, मास गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है। मैं आपको इसके 3.3 करा रही थी, सॉरी ये था 3.4, वो मुझे समझ नहीं पड़ी। ये 3.4 मैंने आपको कराया है, ये मैं आप थोड़ा सा कर देती हूँ, ये मुझसे कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये मैं आपको करा रही थी 3.4, और अब जो कराने लगी वो 3.3 है। सॉरी वो मुझसे थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, 3.3 करा रही हूँ अब मैं आपको। सही है। सो 3.3 में फोर्स उसी तरह गिवन है 100 न्यूटन, फोर्स है 100 न्यूटन, ठीक है, और साथ ही साथ हमें गिवन है अच्छा जी फोर्स सॉरी सॉरी फोर्स ने गिवन 3.3 में उसने हमसे फोर्स पूछी है टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास, मास दिया हुआ है 10 kg, 10 kg मास दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है फ्रॉम फॉलिंग। फ्रॉम फॉलिंग की फोर्स करनी है तो फ्रॉम फॉलिंग की आप खुद समझ दें कि बस जी है हमारे पास, यानी कि एक्सीलरेशन बस हमें गिवन है। अगर फॉलिंग की बात हो तो बस आप समझ जाएं कि हमारे पास गिवन है सब कुछ, एक्सीलरेशन की तो जरूरत ही नहीं फिर अगर फॉलिंग की बात करें, ठीक है। सो सीधे से सीधा सीधा एफ इज इक्वल टू एम ए है, लेकिन यहाँ होगा एफ इज इक्वल टू एम जी, दिस इज इक्वल्स, ओके। सो 10 × 10 इज 100 न्यूटन, इतनी न्यूटन फोर्स हम एक बॉडी पर लगाएंगे इसको फॉलिंग से प्रिवेंट करने में। सही है। अब हम चलते हैं जरा 3.5 की तरफ। ओके आई गेस मुझे ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रेज कर देना चाहिए। सही है भैया, आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया होगा अपने नीट कॉपीज पे या जहाँ कहीं भी नोट्स आप उतार रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको वाइडर उसमें लेके चलूँ कि जल्दी जल्दी रेज हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम करेंगे 3.4, 3.5 करेंगे, सॉरी 3.5, ओके। 3.5 में वो हमें क्या कहते हैं, वेट एक चीज का है 20 न्यूटन। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सा, तो मैंने कहा चले मैं आपको साथ ही ये भी करा दूं। वेट है 20 न्यूटन, वेट हमें दिया हुआ है 20 न्यूटन, और फोर्स नहीं पता हमें, एक्सीलरेशन बताई हुई है, फोर्स हमें नहीं पता, यानी मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। एक्सीलरेशन बताई हुई है, एक्सीलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 ms - 2। अच्छा ये इक्वल होता है वो, दरअसल थोड़ा सा ना लैपटॉप पे करने से। अच्छा अब हम करेंगे क्या, हम इसमें कह रहे हैं बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड मूव कराने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए। अच्छा वर्टिकली जारी सी बात है टेंशन, इसके लिए फार्मूला होगा एफ नेट, यानी नेट फोर्स NET इज इक्वल टू T - V, T - W, टेंशन माइनस वेट, ठीक है। अगर एफ होता है एम ए और टेंशन
का एज इट इज टी माइनस डब्ल्यू होता है एम जी, सॉरी ये एम ए था, मैंने एम जी लिख दिया, ये जी आपका एम ए आ गया, सही। ठीक है, अब मैं इसको इधर मूव करूंगी, ठीक है, लाइक दिस। ये मैं आपको आगे करके दिखा देती हूँ, एम ए प्लस एम जी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी चीज नहीं समझ आ रही, आप चाहते हैं कि मैं फटाफट से वीडियो अपलोड कर दूं, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ये काम करना है कि मुझे सिर्फ मेल कर देना अपना, अपनी क्लास, अपना नेम और अपना प्रॉब्लम नंबर, चैप्टर और प्रॉब्लम नंबर, ठीक है, और सब्जेक्ट भी साथ साथ बताना है, तो मैं आपका अपलोड कर दूंगी वीडियो, एक दो दिन में मैं अपलोड कर दिया करूंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया। अब इसके मुताबिक मैं दोनों में से अगर m कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, m इंटू ए प्लस जी, ए प्लस जी, सही है? ये यूं हो गया, ठीक हो गया जी, r ये t आ गया। अच्छा, a और g हमने कितना डाला था, a तो हमें उन्होंने बताई थी 2, g हमें पता है होता है 10, 10 प्लस 2, और साथ ही में हम मैस कितना हमें बताया हुआ था, अच्छा मैस अभी हमें पता नहीं था, सॉरी मैस अभी हमें पता नहीं था, सॉरी मैं समझी मैस गिवन है, मैस नहीं पता, तो हम पहले मैस निकालेंगे, m इज इक्वल टू w ओवर g, यानी m w इज इक्वल टू mg वाले फॉर्मूले से मैस निकलेगा g हमारे पास 2 के जी, 20 ओवर 10, 2 kg। साथ ही साथ में अब हम ये वाली जो m की वैल्यू है, हम इसको अब यहाँ पुट करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देती हूँ कि एरो, अब ये वाली m की वैल्यू हम अब यहाँ पुट करेंगे, सही है। सो अब आप देखें मैं कैसे पुट करती हूँ, यहाँ m की जगह लिखूंगी 2, a की जगह लिखूंगी 2, g की जगह लिखूंगी 10, तो हम ये सारा कुछ कैलकुलेट अप करके ना टी निकालेंगे, ओके, इक्वल टू टी। सो टी हमारे पास निकलेगा जी, ये 12 है और 12 टू 24 न्यूटन टेंशन निकलेगी, ठीक है। सो ये आप देख लें कि इस स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन है, जस्ट मुझे मेल कर दें, सही है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स या 48 आवर्स में मैं आपके लिए एक न्यू आर्टिकल की वीडियो ले आऊंगी। सो और अगर आप मेरे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप हमारी नून अकेडमी का ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्पेशली मैंने फिजिक्स क्लास 9 और फिजिक्स क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी। होप यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।